तेरे कार्ड छप गए और तेरी होगी बदनामी। चाहिए तू मेरे बाबा क्या कह रहा हूँ चाहिए मुझे मेरे बाबा मर जाएंगे जीते जी तो मैं जमा कर रहा हूँ प्लीज ठीक है ना मेरे मामा मर जाएंगे मैं प्लीज सारे क्या करती तू मार रहा है मेरी जी कैसे आ गए हो तुम कैसे ठीक हो कैसे वैसे चल रही तैयारी सॉरी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला इंतजाम हुआ नहीं हुआ ये बता गाड़ी नहीं दे पाएंगे क्यों तुम नहीं समझ रहे हो मैं मिडिल क्लास फैमिली से तुम अरे मुझे समझना नहीं है घर वालों की इतनी औकात नहीं है कि गड़गड़ाने के लिए यहां पर बुला लिया क्या तूने मुझे यार ये कितनी गर्मी में आया हूं दिमाग खराब कर दिया था यार मैं यार खुशी गाड़ी यार, गाड़ी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया अब जब सब तैयारियां हो चुकी है कार्ड छप चुके हैं सबको कार्ड जा चुके हैं अब तुम ये यार रियाना यार फोन पे भी यही सब ड्रामा करती है अब भी यहीं पर यार क्या है गाड़ी का इंतजाम हुआ नहीं हुआ दिमाग खराब कर रही है मेरा ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम मेरी बात सुनो तुम मुझसे प्यार करते हो ना हम दोनों प्यार करते हैं ना दिमाग खराब मत कर मेरा गाड़ी का इंतजाम हुआ ही नहीं हुआ ये बता गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं हुआ बोला था ना मुझे गाड़ी चाहिए कैसा प्यार बोला मैंने अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी ऐसा ही होगा सारे कार्ड वार्ड छप चुके मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं रही है तुम क्यों तभी तो मैं गाड़ी मांग रहा हूँ कैसी भी गाड़ी तुम्हें पहले बताना चाहिए मेरे माँ बाप की इतनी औकात नहीं है मुझे कुछ नहीं पता मुझे चाहिए गाड़ी और अब कार्ड छप गए बदनामी दे रही होगी सोच ले बता क्या कर रही है तुम मुझसे प्यार करते हो अरे प्यार क्या चला डालूंगा क्या प्यार व्यार है बता गाड़ी देगी नहीं देगी नहीं है गाड़ी नहीं देगी गाड़ी नहीं देगी गाड़ी नहीं देगी गाड़ी देगी तू और भी कुछ देगी क्योंकि तेरे कार्ड छप गए और तेरी होगी बदनामी चाहिए तू मेरे बाबा क्या कह रहा हूँ चाहिए मुझे मेरे बाबा मर जाएंगे जीते जी तो मैं जमा कर रहा हूँ प्लीज ठीक है ना मेरे मामा मर जाएंगे मैं प्लीज मैं बताता हूँ लड़की को क्यों मार रहा भाई तो भाई मार लड़की को किस लिए मार रहा है किस लिए मार रहा भाई लड़की को भाई मार तुम यार तुम कौन हो यार मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ ये कौन है कौन से भैया अभी बताता हूँ कौन सा भैया अभी तुझे सब पता लगेगा बेटा इस लड़की को मार रहा है देखो पहले तो आराम से प्यार से बात कर रहा हूँ कह रहे गाड़ी नहीं मिलेगी क्या बोल रहा है शादी नहीं करूंगा गाड़ी नहीं वो तो करूंगा ही नहीं ठीक है ना भाई क्या खा साले गाड़ी नहीं तो शादी नहीं हाथ उठ जाएगा मेरा दहेज के लिए शादी करेगा दहेज के लिए लड़की को बताया तूने दहेज के लिए भाई गर्लफ्रेंड है मेरी मैं कुछ भी करूं क्या भाई यार मैं प्यार सारी तैयारियां हो चुकी है कार्ड छप चुके हैं भैया पहले इन्होंने नहीं बताया था कि गाड़ी मांगेंगे अब जब सारी तैयारियां हो चुकी है कार्ड छप चुके हैं अब बोल रहे हैं कि मैंने आपको ये बोला था कि साथ में अपने माँ बाप को भी लेके आना इसको उनके सामने दूंगा भैया मेरे माँ बाप को तो जी क्या प्लानिंग चल जाएंगे अभी प्लानिंग हमारी ये चल रही है ये झूठ बोल के तुम्हारे साथ रिलेशन में आया केस बनता है भाई ये क्या क्या झूठ बोला मैंने और कम से कम 5-6 साल की सजा रेप केस बनता है लड़की को क्या पूछा है क्या आप उसको क्या भड़का रहे हो भाई लड़की को कानून बता रहा हूँ आप आओ आगे तुम्हारे पे हाथ उठा रहा है तुम्हें मार रहा है महिला आयोग में ये कंप्लेंट ठोकनी है इसमें भाई यार ये क्या है भाई बताने देना लड़की की पावर क्या है जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ यही होना चाहिए ना ठीक है ना मैं शादी कर रहा हूँ शादी कर रहा हूँ ना मैं हाथ मत उठा धमकी दे रहा है जानता नहीं तू मुझे जानता है मैं भाई नहीं जानता मुझे जानना भी ना आप जाओ नहीं जानना मेरा पर्सनल मैटर है आज तू जानेगा देख लग आज जानेगा तू आज जानेगा भाई इसको बोलने मारे यार चिल्ला मत तो भाई मार क्यों रहा है इतनी देर से यार मैं मेरा पर चिल्ला मत अभी आप रो मत आप बहुत देर रो लिए अभी रोने का जो टाइम है ना वो इस बंदे का आया है ठीक है मेरा क्यों आगा मैं शादी कर तो रहा हूँ उससे शादी करके फिर मुझे बर्बाद करोगे मैं शादी करनी अब तुझसे ये शादी करेगी मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे शादी करने के बाद क्या गारंटी है तुम मुझे खुशी खुशी रखोगे अरे तो गाड़ी मांग ली जो इंसान अभी मुझ पर हाथ उठा सकता है वो आगे कुछ भी कर सकता है लड़की खुद आ रही है तेरे पास और तुझे गाड़ी चाहिए भाई घुमा टैक्सी में चलाएगा गाड़ी तो घुमाऊंगा भी तो उसी को यार उसको नहीं घूमना और तेरे साथ तो जाना ही नहीं अभी इसको मैं बता देता हूँ हमने लगा रखा है कैमरा
जो तूने लड़की को पिटाया क्या करवा क्या करा है सारी तुम्हारी करतूतें दिखाने के लिए करा है। प्लीज यार, जो तूने लड़की को पिटा है ना वो सब रिकॉर्ड हुआ है। अब तेरे पे इतने केस लगेंगे, इतने केस लगेंगे। अब मैं पैर पर अभी तो मैं भी तो तुम्हारे पैर पर ही थी तब तो तुमने नहीं देखा ना। यार ये बंद करवाओ, देखो मेरा आप प्लीज आप रो मत। अभी आप बहुत देर रोते हुए, आपको हो चुका, मैं काफी देर से देख रहा हूं। सारी तैयारियां हो चुकी, काट चुका, कोई नहीं, लड़का और मिल जाएगा, लड़का और मिल जाएगा। तुम इससे शादी करोगे? अभी भी एग्री हो रहा था, ये बताओ। मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ अब मुझे शादी करनी भी नहीं है। तुम्हें लड़का तो दो दिन में मिल जाएगा, लेकिन इसको अब लड़की ना जिंदगी भर नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरा चेहरे पे जो नकाब था ना वो हमने उतार दिया है। यही होना चाहिए। लड़की को फंसाता है शादी से 10 दिन पहले, फिर बोलता है मुझे तो करेटा चाहिए। मैं अभी अभी इसकी कंप्लेंट करो, फोन निकाल लो, करवा देता हूँ। प्लीज यार, मैं बोल रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ यार, पैर पड़ रहा हूँ। मैं शादी के लिए मना कब कर रहा था मैंने यार, क्रेटा ही तो मांगी बस। हाँ ये लालच था कि 2 दिन पहले बोलूंगा शादी का काट बच्चा तो मुझे मिल जाएगी। जो चेहरा है ना ये असली चेहरा नहीं है बेटा, अपनी टोपी उठा बेटा, इसकी कंप्लेंट करते हैं, चलते हैं ना पुलिस स्टेशन में, अपने माँ बाप को भी बुला। अरे नहीं भाई, बड़े उसको सजा मिल, बोलना चल चल। सारी बात वही होगी।